एक जमाने में करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाली हीरोइन रेखा की निजी जिंदगी अब किसी से छिपी नहीं है, लेकिन शायद ही कोई जानता हो कि एक वक्त पर वो रंगभेदी टिप्पणियों का शिकार हुई, और वो भी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के हाथों ही। इस बात का खुलासा रेखा पर आई यासिर उस्मान की बायोग्राफी द अनटोल्ड स्टोरी में किया गया है। इस किताब में रेखा के तमाम इंटरव्यू और उन बातों का जिक्र किया गया है जो कोई नहीं जानता। हिंदुस्तान टाइम्स और द न्यूज डॉट कॉम के अनुसार एक्टर नवीन निश्चल को जब पता चला था कि फिल्म सावन भादों में उनके अपोजिट रेखा को साइन किया गया है तो वो प्रोड्यूसर पर खूब बरसे थे। न्यू नोटिफिकेशन फ्रॉम जावर अपडेट चेकर। जावर अपडेट अवेलेबल। ए न्यू वर्जन ऑफ जावर इज रेडी टू बी इंस्टॉल्ड। क्लिक हियर टू कंटिन्यू डॉट डॉट जावर अपडेट चेकर। उन्होंने कहा था कि आपने कहां से इस नमूने और काली कलूटी को फिल्म में ले लिया। हालांकि बाद में दोनों ने दरमा वो मैं नहीं और वक्त का बादशाह जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। इतना ही नहीं, शशि कपूर तक रेखा के सांवले रंग को देखकर चौंक गए थे। जब रेखा उनकी एक फिल्म के प्रीमियर पर पहुंची तो उन्होंने कहा था कि ये काली मोटी और भद्दी दिखने वाली हीरोइन फिल्मों में कैसे टिक पाएगी, लेकिन बाद में शशि कपूर और रेखा काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। रेखा को देखकर तो खुद एक्टर राजकुमार ने भी भद्दा कमेंट कर दिया था। जब निर्देशक कुलजीत पाल ने उन्हें अपनी एक फिल्म में लिया तो राजकुमार ने कहा था कि आप अफ्रीका से हैं, इसलिए आपको रेखा जैसी काली लड़कियां पसंद हैं।